ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में, यानी कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो नई भर्ती आई है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिस भर्ती के लिए झारखंड के लोग आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको उसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नेम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर गिरिडीह। टोटल वैकेंसी 200 है, यानी कि इसके अंदर कुल 200 पद निकाले गए हैं। पोस्ट नेम अप्रेंटिस की है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा, यानी कि जो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है वो ऑनलाइन माध्यम से करना है, जिस वजह से इसको ऑनलाइन मोड में कहा गया है। यानी कि आपको भेजना अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन माध्यम से है, लेकिन आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड करना है, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को देखते रहिए। जॉब टाइप परमानेंट बेसिस। दोस्तों, ये भर्ती परमानेंट है, यानी कि कोई ये कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती नहीं है। आप लगातार अगर एक बार आप सिलेक्ट हो गए तो आप तब तक लगे रहोगे जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते, तो यह भर्ती परमानेंट है। सैलरी, यानी कि सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, तो दोस्तों ₹13,500 फॉर फर्स्ट 12 मंथ, यानी कि शुरू के एक साल आपको ₹13,500 पर मंथ दिए जाएंगे, और उसके बाद आपको ₹13,800 फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, और उसके बाद आपको जो अगले 6 महीने होंगे उनके लिए उसके लिए आपको ₹13,800 पर मंथ दिए जाएंगे। प्लस आपको हेल्थ पॉलिसी, आपकी हेल्थ पॉलिसी होगी वर्थ 1 लाख, जो कि ₹1,00,000 तक की होगी। फर्स्ट 3 वीक्स फ्री लोडिंग फैकल्टी, और तो आपके जो शुरू के 3 वीक्स हो गए उनके लिए आपको फ्री लोडिंग फैकल्टी भी दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए कितनी एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट्स को किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं देनी है, यानी कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स इसमें मुफ्त में आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट, दोस्तों मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल है, यानी कि जिन आवेदकों की उम्र 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में है वो लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं रिलैक्सेशन, यानी कि आयु सीमा में छूट कितनी दी जा रही है, तो दोस्तों 5 साल की छूट SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को दी जा रही है आयु सीमा में, और 3 साल की छूट OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स को दी जा रही है। अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन, यानी कि जो लोग इस पोस्ट पर आवेदन करेंगे उनको कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए आवेदन करने के लिए, तो दोस्तों अगर आपके पास 12th पास ओनली, अगर आपके पास 12th पास है यानी कि 12वीं पास है, तो आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो। और ITI एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट्स नॉट एप्लीकेबल, और जिनके पास ITI एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट्स है, यानी कि जो जिनके पास ITI की योग्यता है या ग्रेजुएट है, वो लोग इस पोस्ट पर आवेदन नहीं कर सकते। इस पोस्ट पर सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने सिर्फ 12वीं पास की हो। सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट लिया, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है वो मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आप में से जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे उसके बाद आपकी मेरिट लगेगी, जो लोग मेरिट को पास कर जाएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जॉब लोकेशन झारखंड। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस भर्ती के लिए सिर्फ झारखंड के लोग ही आवेदन कर सकते हैं, और किसी स्टेट के लोग इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते। अप्लाई डेट 6 फरवरी से 15 फरवरी, यानी कि आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2019 के बीच में ही भेजना होगा, उसके बाद आपका अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब जान लेते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि आवेदन कैसे करें। दोस्तों आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, वहां से आपको उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, और उसको डाउनलोड करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, और जिस भी ऑप्शन के आगे जो डिटेल्स मांगी गई है वो आपको वहां पर भर देनी है, और भर करके आपको अपना जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है एक लिफाफे के अंदर डाल करके उस एड्रेस पर भेज देना है जो एड्रेस आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इसके बारे में बता भी देता हूँ कि कैसे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और कैसे आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि है ग्रिड, यानी कि grid.nic.in। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपके सामने किस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा 6/2/2019, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है,
और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ से आपको डाउनलोड इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल जाएगा। तो दोस्तों वेट कीजिएगा, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस हो चुका है, जो कि झारखंड सरकार श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की तरफ से प्रकाशित हुआ है और जो कि हिंदी लैंग्वेज में ही है। तो आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हो और जो जानकारी मैंने आपको अभी दी है वो जानकारी मैंने आपको यहीं से दी है। आप यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हो, क्वालिफिकेशन देख सकते हो कि कौन सी योग्यता आपसे मांगी गई है इसमें आवेदन करने के लिए, और एज लिमिट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, और जो आपको सैलरी दी जाएगी वो सैलरी की जानकारी जो मैंने आपको अभी बताई है वो जानकारी मैंने आपको यहीं से बताई है, और डेट ऑफ भर्ती की जानकारी भी आप यहाँ पर देख सकते हो, और जो जानकारी हो हिंदी में लैंग्वेज में दी गई है वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। भर्ती कैंप में भाग लेने वाले नियोजकों एवं प्राप्त रिक्तियों की विस्तृत विवरणी से संबंधित सूचना झारखंड सरकार के वेबसाइट इस पर आपको मिल जाएगी। भर्ती कैंप में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों को झारखंड के किसी भी नियोजनालय में निबंधित होना अनिवार्य है। यदि वे पूर्व में निबंधित न हो तो भर्ती कैंप से पूर्व अपना निबंधन अपने स्थानीय नियोजनालय में निश्चित रूप से करा ले। सभी अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्र के साथ मूल एवं फोटोकॉपी के साथ भर्ती कैंप में उपस्थित होने का कष्ट करें। शैक्षणिक अर्हता फोटो, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, DL/ETC आधार कार्ड, नियोजनालय निबंध कार्ड एवं 06 फोटो, साथ ही निर्धारित तिथि को पूर्वान्ह 9 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। रिक्त निजी क्षेत्र से संबंधित है इसलिए रिक्त की शर्तों के लिए सीधे नियोजक उत्तरदायी है। विभाग एवं नियोजनालय मात्र सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहे हैं। भर्ती कैंप में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का भत्ता देना ही होगा, यानी कि जो आपका जो भर्ती प्रक्रिया इसमें भाग लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार की फीस देने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग फ्री में आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी जानकारी गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के जो वैकेंसीज निकली है 200 पदों के लिए इसके बारे में। दोस्तों अगर आपको इस भर्ती के बारे में और भी अन्य जानकारी चाहिए, आपको जो जानकारी मैंने आपको बताई उससे संबंधित कोई और सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब दे सकूं। और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट में आपसे ही कहना चाहूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बैल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें।